दीक्षा भूमि के भूमिगत पार्किंग निर्माण कार्य में हो रहे जोरदार विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने इस कार्य को स्थगित कर दिया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि दीक्षा भूमि की संपूर्ण संरचना स्मारक समिति की मान्यता के बाद तैयार की गई है, जिसे राज्य सरकार मात्र आर्थिक सहायता करने वाली थी। लेकिन इस मुद्दे पर यदि किसी को आक्षेप है तो आंदोलक और स्मारक समिति विशेषज्ञों की सहायता से मांग निकाले, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्मारक है जिससे देश की जनभावना जुड़ी है। पवित्र दीक्षा भूमि पर वहां का विकास हो, इस प्रकार की मांग लगातार आ रही थी, इसलिए हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि विकास हम करेंगे। इससे पहले भी वहां जो विकास हुआ है हमारी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है, चाहे वो दीवाल हो, चाहे रेलिंग हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो। और हमने इस बार भी ये घोषणा की थी कि सरकार विकास करेगी। विकास का जो पूरा ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट जो स्मारक समिति है उस समिति ने तैयार किया है, उनके अप्रूवल से तैयार हुआ है। उन्होंने जो कहा वही ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है और सरकार ने उसके लिए पैसा उपलब्ध करके दिया है। अभी अगर किसी को कोई शंका है तो उस शंका को दूर किया जाना चाहिए, इसलिए हमने उस काम को स्टे दिया हुआ है। और हमने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि स्मारक समिति और जो आंदोलक है ये सारे लोग मिलकर भले एक्सपर्ट्स की मदद ले और उसका अंतिम निर्णय करे। जो अंतिम निर्णय होगा वो राज्य सरकार को मान्य होगा, क्योंकि इसका निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी, ये देश का स्मारक है, तो इसमें सभी का विचार लेकर ही अंतिम निर्णय होना चाहिए। जो अंतिम निर्णय होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा, तब तक इस काम को रोका गया है। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।